मेरे भाई कैसे हो? किसी ने आज बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है ब्रह्मचर्य में होने वाले फीमेल अट्रैक्शन को लेकर। इसको थोड़ा बारीकी से आज समझेंगे। लेकिन दोस्त, अगर आपको फायदे मिल रहे हैं ब्रह्मचर्य के, तो एक कमेंट जरूर करिए। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी की जिंदगी बदल जाए। ये भाई कहते हैं कि यूट्यूब पर ऐसे कुछ लोग हैं जो पहले लड़की पटाने की टिप्स देते हैं, फिर नो फैप और सेलिबेसी का ज्ञान देते हैं। शुभम भाई, आपका क्या कहना है इसको लेकर? इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, आज की इस वीडियो के लिए हम टारगेट रखते हैं 3500 लाइक्स और 1000 कमेंट्स के लिए। जल्दी से टारगेट पार करवाइए। पहली बात, ये जो शब्द है पटाना, वो अपने आप में एक बहुत ही नीचे दर्जे का शब्द है। पटाने वाली वीडियोस देखकर ही तो आजकल के लड़के जबरदस्ती पे उतर आते हैं। अंत में पता है क्या होता है? जो लड़के सही मायने में लड़कियों की इज्जत करते हैं, उनका भी नाम खराब होता है कुछ लोगों की वजह से। जहां तक बात आती है लड़की पटाने के बाद नो फैप पर वीडियोस बनाने की, तो आप खुद ही समझदार हो कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और कुछ लोग तो ब्रह्मचर्य की शक्तियों का गलत फायदा उठाने लगते हैं, सोचते हैं कि इस तरह से मुझे फीमेल अट्रैक्शन भी मिलेगा। तो उन सबको एक ही बात बोलूंगा कि भाई, वो ब्रह्मचर्य कहलाता ही नहीं है। आप खुद सोचो, स्त्री के ख्याल से विचलित होने वाले क्या सच में ब्रह्मचारी होते हैं? असली ब्रह्मचारी तो वो हैं जो स्त्री को सिर्फ साक्षी भाव से देखते हैं, जहां पर जीरो लेवल पर थॉट्स एंड इमोशंस होते हैं। यही काम तो बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स पास्ट में कर चुके हैं। इस सिचुएशन में हर किसी के लिए भीतर रिस्पेक्ट होता है। वो इतना जागा हुआ होता है भीतर से कि उसको कोई चीज या फिर इंसान विचलित नहीं कर सकता। मेरे भाई, ना भागना है और ना ही पटाना है, बस अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। नो फैप या ब्रह्मचर्य किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को जानने के लिए है। और इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, और इसके बारे में डिटेल में और चर्चा करेंगे हम। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो।